हेलो एवरीवन, आप सभी का दीना पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। दोस्तों, मैंने सुबह एक वीडियो कवर करवाई थी जिसके अंदर मैंने ये बोला था कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो सेकेंड फेज़ की तैयारी कर रहा है, सेकेंड राउंड की तैयारी कर रहा है ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, पहले तो खबर ये आ रही थी कि 14 सितंबर से क्या होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या कर दिया, साफ साफ कह दिया है कि भाई 14 सितंबर का तो पता नहीं, पर एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा ये देखते हैं। तो आज एक नोटिफिकेशन आया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एग्ज़ाम होगा किन किन बच्चों का, वो सबसे पहले वो क्लियर कर दूँ। तो मैं जिन बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया है, ठीक है, जिन बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया है या कोई एक पेपर छूट गया है या फिर वो दे नहीं पाए किसी रीज़न से, वो आउट ऑफ दिल्ली थे, स्टेशन उनके कोई भी प्रॉब्लम थी, जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे ना कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, नेटवर्क नहीं है, सारी चीज़ें, तो ये अब यहाँ पे दो मोड में बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। कौन कौन से मोड, ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्ज़ाम। ठीक है, ऑफलाइन वाला तो आपको पता है कि जब सेंटर में जाएगा, आपका हॉल टिकट आएगा, सेंटर पड़ेगा, वहाँ पर जाना है, सेंटर में लिख कर आंसर शीट देना है। ऑनलाइन वाला भी आपको पता चल गया है, जो ओपन बुक एग्जामिनेशन हुआ था जिसे हम OBE बोलते हैं, जहाँ पर आपके ईमेल आईडी पे क्वेश्चन पेपर आएगा, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर आएगा, आप वहीं पर क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे और उसी को आंसर स्कैन करके डाल दोगे। ठीक है, तो ये आपका ऑफलाइन ऑनलाइन हो गया, ये ऑफलाइन हो गया, तो दो मोड एग्जामिनेशन है। अब यहाँ पे दोनों तरीके से एग्ज़ाम होने वाला है, डेट अनाउंस हो चुके हैं। नोटिफिकेशन जो है 5 पेज का अच्छा खासा बड़ा सा नोटिफिकेशन है, जिसका एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा, बट अलग अलग वीडियोज़ में, जिसमें आपको सही से समझ में आए। एक ही वीडियो में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँगा सारा हौच पौच हो जाना है, कुछ समझ में नहीं आना है। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं डेट क्या है। तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, ऑफलाइन और ऑनलाइन सबका होने वाला है, चाहे यूजी कोर्स के हो आप, चाहे पीजी कोर्स के हो, दोनों का डेट सेम है, 14/9/2020 से आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, 14/9/2020 मतलब क्या, सेप्टेम्बर, 14 सेप्टेम्बर से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यही डेट अनाउंस करी थी कि 14 सेप्टेम्बर से आपका एग्ज़ाम होगा, तो बस यहाँ पर 14 सेप्टेम्बर से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और ये जो सारी चीज़ें हो रही है किस रीज़न से हो रही है, तो कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है अभी हमारे पास कि हम एग्ज़ाम ले सकें। ठीक है, ऑफलाइन एग्ज़ाम पहले की तरह ले सके, जिसके कारण से ये, ठीक है, अभी जो पहले जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, वो 10 अगस्त से चालू हुआ था और 31 तारीख तक चला, अभी चल ही रहा है मतलब ऑलमोस्ट, और दूसरा फेज़ का डेट आ चुका है, तो डेट का ये रहा। बाकी नोटिफिकेशन ये देखोगे दोस्तों, तो बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। आपको नोटिफिकेशन की जो PDF है मैंने दीन आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, तो वहाँ से आप जाके ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों, हमसे जुड़े रहें, इसका जो भी नोटिफिकेशन में एक एक पॉइंट है सबको मैं समझाने वाला हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक करके मैं वीडियो डालता हूँ, आप देखते जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिनका एग्ज़ाम छूट गया, उनका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो आपको रिलेटेड किसी भी चीज़ से, आपके एग्ज़ाम से लिया किसी और चीज़ से, तो आप हमारे दीन एप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमसे पूछ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।